गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में बेसिकली हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने बहुत टाइम के बाद अपने भाई और अपनी भाभी के साथ। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। तो अभी हम में से किसी ने नहाया नहीं है तो हम लोग फटाफट तैयार हो जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट ये सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। और इस ब्लॉग को आप एंड तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। सो अगर ये पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे देख सको। तो अभी हम लोग अपना सारा काम कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फाइनली हम सब रेडी हो गए हैं, विनी को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो अब हम बस निकलने ही वाले हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग बेसिकली जा रहे हैं महाबलीपुरम। और ये चेन्नई से थोड़ा आउट पड़ता है, आई थिंक 60 किलोमीटर है। तो हम लोग मे बी 2 घंटे शायद लग जाए वहां पहुंचते, तो क्योंकि बीच बीच में भी कहीं कहीं जगह रुकेंगे। तो अब हम बस घर से निकल रहे हैं और सीधा मैं आपको महाबलीपुरम में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अभी हम ऑन द वे हैं और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर किया है, पीछे मेरा भाई आ रहा है। तो वॉइस ओवर मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, बोल रही थी, तो हाईवे पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी निकल रही थी, जिस वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे व्लॉग में वॉइस ओवर किया। तो महाबलीपुरम पहुँचने से पहले आधी दूरी पे एक ब्रिज पे हम लोग रुक गए थे, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी पिक्चर ली थी और भी वहां पे कई सारे लोग थे जो वहां पे पिक्चर्स ले रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली, वो सारी पिक्चर्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके और पिक्चर्स ली, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और यहाँ से निकलने के बाद, मतलब महाबलीपुरम से पहले कुछ किलोमीटर पहले, आई थिंक 10-12 किलोमीटर पहले क्रोकोडाइल पार्क आता है, सॉरी क्रोकोडाइल बैंक, तो हम लोग वहाँ रुके। तो यहाँ फाइनली हम क्रोकोडाइल बैंक पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पे अंदर विजिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अंदर क्या क्या है। ऑब्वियसली क्रोकोडाइल बैंक है तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि क्रोकोडाइल होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने टिकट ली, एंट्री के लिए यहाँ पे टिकट लगती है, तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट ली और टिकट लेके फिर हम लोग अंदर गए। सो इसका जो नाम है वो है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक और ये 1976 में बनाया गया था। जब ये बनाया गया था तो उस टाइम पे इसमें 5 से 15 हजार तक क्रोकोडाइल थे। अब शायद उतने नहीं है क्योंकि हम लोगों ने देखा था तो उतने नहीं थे, बट हाँ काफी क्रोकोडाइल हैं यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ हम जब विजिट कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ मैं एक बार और आ चुकी हूँ। मैं 1.5 साल पहले आई थी जब मेरे पापा जी आए हुए थे, उस टाइम पे विनी 7 महीने की थी, तब मैं यहाँ पे आई थी। और अब मेरे जब भाई भाभी आए हैं तब मैं आई हूँ उनको लेके, उनको यहाँ पे दिखाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और आप भी आगे व्लॉग में देखिए, मे बी आपको मेरा ये जो व्लॉग है जो मैं मेहनत कर रही हूँ शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो प्लीज़ अगर व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ये व्लॉग। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने क्रोकोडाइल हैं वो कैसे आराम फरमा रहे हैं, कुछ पानी में हैं, कुछ बाहर हैं। तो यही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको यहाँ पे ना ये लंबे लंबे जाल बनाए गए हुए हैं हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम उनसे काफ़ी दूरी बनाए रखें।
और ये जो क्रोकोडाइल बैंक है ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, और यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें भी मिल जाएंगी देखने के लिए। क्रोकोडाइल के अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि ये है, इसका मुझे नाम याद नहीं है, नाम वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था बट मैं नाम भूल गई, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट जो भी है बहुत ही डेंजरस था देखने में, तो काफ़ी दूर से मैं शूट कर रही थी बिकॉज़ डर भी लग रहा था। और ये भी एक कोई प्रजाति है मगरमच्छ की, थोड़ा थोड़ा कुछ मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये एलिगेटर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये काफ़ी बड़ा था और काफ़ी डेंजरस लग रहा था देखने में, ये पानी के अंदर था। और यहाँ से जब हम नीचे गए तो यही मगरमच्छ नीचे जो है वो कांच में दिखाई दे रहा था, तो आप ये आगे देखोगे इस तरह से ये कांच में दिखाई दे रहा था, एकदम शांत था, मतलब लग रहा था जैसे सोया हुआ है, बट बहुत डर लग रहा था। मैंने और भी मगरमच्छ के वीडियोस देखे हैं, उनमें भी देखा है कि मगरमच्छ ऐसे ही पानी में एकदम शांति में रहते हैं, इतना मतलब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि पानी में मगरमच्छ है और वो एकदम से बाहर आ जाएगा। मैंने फेसबुक पे एक दो वीडियोस में ऐसा देखा हुआ था। यहाँ पे यही इतने सारे मगरमच्छ हैं, जहाँ देखो वहाँ मगरमच्छ हैं, एक मगरमच्छ ये भी है, ये भी आराम से सोया हुआ है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे मोस्टली जितने भी मगरमच्छ थे वो बस ऐसे पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि खा पी के सो रहे हैं और शांति से। यहाँ पे आपको बेसिकली जितने जो मगरमच्छ होते हैं आपको उनकी अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और स्नेक यहाँ पे इसके पास में ही एक स्नेक फार्म भी है, वो हम लोगों ने नहीं देखा बिकॉज़ हम लोग महाबलीपुरम के लिए निकल रहे थे ये देखने के बाद। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मोस्टली क्रोकोडाइल्स ही देखोगे, मतलब आप जहाँ नज़र घुमाओगे ना तो वहाँ आपको सिर्फ मगरमच्छ ही दिखेंगे, बहुत खतरनाक मगरमच्छ। अभी तो हम इनको सेफ्टी के अंदर ही देख रहे हैं ना, भगवान ना करे कभी न कोई ऐसे बाहर आ जाए तो पता नहीं क्या हो, बट ऐसा ना हो किसी के साथ भी, तो हमको भी काफी केयरफुली यहाँ पे देखना पड़ता है। पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो वो दूर से ही लेते हैं बिकॉज डर लगता है, इतने सारे मगरमच्छ हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम बाहर की तरफ राउंड ले रहे हैं, और यहाँ पे ये एक लकड़ी का स्नेक बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं जब लास्ट ईयर आई थी तब भी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स लिए थे, तो अच्छी जगह है ये। और आपको यहाँ पे टॉर्टोइज भी मिल जाएंगे देखने के लिए, देखिए कितने बड़े बड़े टॉर्टोइज हैं। तो विनी इनको देख के बहुत खुश हो रही थी, मुझे नहीं पता क्यों बट इनको देख के वो बहुत खुश हो रही थी। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, एक तरीके से छोटी मोटी वाइल्ड लाइफ समझ लीजिए आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और फिर ये सब देखने के बाद हम सीधा यहाँ से निकले क्योंकि हमें टाइम भी देखना था, टाइम से पहुंचना भी था। और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल क्रोकोडाइल बना हुआ है बट ये ऑन कैमरा ऐसा लग रहा है, और अगर आप इसको सामने से देखोगे तो बिल्कुल ये रियल दिखता है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि ये रियल नहीं है। फ्रेंड्स, हमने जितना भी पार्क था, क्रोकोडाइल ये बैंक जो भी क्रोकोडाइल बैंक था ये हमने पूरा विजिट कर लिया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमको टाइम से फिर महाबलीपुरम भी पहुँचना है और फिर घर भी आना है, इसलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बाहर निकलते ही साथ थोड़ी भूख लगाई थी बिकॉज सुबह के नाश्ता किया हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह खाए। मैं वाटरमेलन खा रही हूँ और विनी को भी खिला रही हूँ, मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुंचे महाबलीपुरम, और महाबलीपुरम का जो रास्ता है वो यहाँ से आई थिंक 12-13 किलोमीटर का है, तो बस हम लोग खा पी के यहाँ से निकल लिए। अब हम फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम हाईवे पर हैं, और यहाँ से निकलने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं महाबलीपुरम सॉरी, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं महाबलीपुरम। फाइनली हम महाबलीपुरम पहुंच चुके हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम अपनी दोनों जो बाइक है वो पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या है और आप लोगों को अच्छा लगता है ये देखने में, जहाँ हम ये जिस प्लेस पे हम आए हुए हैं।
सो अभी हम वॉक करते हुए अंदर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एंट्री करने से पहले टिकट लगती है। मुझे नहीं पता कितने रुपए की टिकट थी, वो मेरे हस्बैंड ने जाके ली थी। तो फर्स्ट यहाँ पे हम टिकट लेंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। सो बेसिकली ये महाबलीपुरम जो है, इसको आप इसको मतलब मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। यहाँ पे एक टेम्पल है, शोर टेम्पल, जिसे शोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड जो हैं सचिन, वो यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। और यहाँ से टिकट लेने के बाद हम एंट्री करेंगे। और यहाँ साइड में ही मेरी जो विनी है, वो अपने मामा और मामी के साथ मस्ती कर रही है। विनी भी काफ़ी एक्साइटेड है, जब वो कहीं बाहर घूमने जाती है ना, तो बहुत इंजॉय करती है। मतलब बिल्कुल परेशान नहीं करती है। पहले मुझे ये डर लगता था जब वो छोटी थी, कि कहीं मुझे ये परेशान ना करे, बाहर लेके जाऊं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत इंजॉय करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी काफ़ी काफ़ी बड़े एरिया में ये जगह है, काफ़ी गार्डन टाइप में ये बना हुआ है। पिकनिक पर्पज़ के लिए भी ये जगह काफ़ी अच्छी है, आप आ सकते हो अगर आप पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आते हो। और सामने ये जो टेम्पल दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं शोर टेम्पल। और ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी के तट पर ये टेम्पल स्थित है, ये जो आपको ये दिख रहा है। ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, तो वो मैं पढ़ने के बाद ही ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ विजिट किया। फिर हम लोग विजिट करने के बाद चलते चलते थक गए, तो हम थोड़ी देर के लिए वहीं गार्डन एरिया में बैठ गए। और वहाँ बैठ के हमने थोड़ा बहुत बातें करी, खाया पिया, क्योंकि हम लोगों ने वैसे घर से तो कुछ बना के लेके नहीं आए थे, बट बाहर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, कुछ आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। बट हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं खरीदा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ घूमने के लिए आए थे। तो बट हाँ, खाने पीने की चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे ले ली थी। तो एक जगह हम लोग पेड़ की छांव में बैठ के आराम से वहां हम लोगों ने खाया पिया, काफी सारी बातें की, तो काफी अच्छा लगा। तो यहाँ ये मैं हूँ, खा रही हूँ, मैं पीनट्स खा रही हूँ, और यहाँ सचिन है, उनके पास में विनी है। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के मस्ती करते रहे। और अच्छा यहाँ पे तब और लगे, जैसे आप मतलब ग्रुप में आते हो, कई सारे लोग आते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं ना, तो काफी हम इंजॉय करते हैं और हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से कट जाता है। तो अभी हम चार लोग थे, तो हम लोगों ने काफी इंजॉय किया यहाँ पे। और पिंकी हमारे यहाँ पे बेर खा रही है, उन्हें बेर काफी ज्यादा पसंद है। सो ये बेसिकली ये टेम्पल है, आप देख सकते हो। और ये जो टेम्पल है ना, ये पूरा आप देखो तो ये जो पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर कभी रहे होंगे कई साल पहले, तो ये वो पत्थर को काट के उनपे डिजाइन करके ये टेम्पल बनाया हुआ गया है। आप पूरा देखोगे ना, तो पूरा बस पत्थर ही पत्थर है, जिसपे डिजाइन किया गया है, कटिंग करी गई है, उस पर डिजाइन बनाई गई हुई है। और ये टेम्पल के अंदर भी कोई भगवान है, मुझे नाम नहीं पता। तो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे स्लीपर उतार के अंदर उनके दर्शन करने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो हम लोग भी अंदर गए थे, हम लोगों ने उनके दर्शन किए। और यहाँ आप बाहर देखोगे तो पत्थर पे ही वो चित्रकारी करी गई है, डिजाइन मतलब बनाए गए हुए हैं, काट के काफी अच्छे वो कारीगर रहे होंगे जिन्होंने ये बनाया। बट काफी टाइम हो गया है इस टेम्पल को, तो इनकी जो डिजाइन है वो भी काफी धीरे 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 ब्लर हो गई है। अगर आप वहां पास से देखोगे तो वो ब्लर हो गई है, बट बहुत टाइम भी हो चुका है इस टेम्पल को। सो हम लोगों ने ये टेम्पल साइट का विजिट किया। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ से जाना भी था पंचरथ करके भी एक जगह है, वहाँ पांच पांडवों का कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा नहीं मैंने हिस्ट्री में। बट हम जब लास्ट टाइम आए थे, तब मैं यहाँ पे गई थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो रहा था और घर पहुँचने में भी 2 घंटे लगते, तो हम लोग पंचरथ तो नहीं गए। हाँ, बट यहाँ से निकलने के बाद हम लोग इस पास में ही एक लाइट हाउस है, और उसके पास में एक विष्णु जी का टेम्पल था, पुराना काफ़ी टेम्पल है, तो हम लोग वहाँ गए। सो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग लाइट हाउस की तरफ गए, और मैं पहली बार जा रही हूँ लाइट हाउस, तो मुझे नहीं पता वहाँ जाने के बाद मुझे कैसा लगेगा, बट बताऊंगी आपको आगे कि मुझे कैसा लगा। और विनी जो है, वो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रही थी, मतलब
थकी नहीं थी, हम लोगों को थकावट महसूस होने लगी थी, बट बंदी तो अपने फुल ऑन जोश में थी। सीढ़ियां भी चढ़ रही थी तो बोल रही थी आप मतलब मैं खुद चढ़ूंगी। उसके पापा उसको गोदी ले रहे थे बट वो गोदी नहीं आ रही थी उनकी। सो ये जो आप देख रहे हो ये विष्णु जी का टेम्पल है, तो यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे, और सामने जो दिख रहा है वो लाइट हाउस है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, अच्छा लगा। और विन्नी मुझे यहाँ पे ढूंढ रही थी कि उसकी मम्मा कहाँ गई, बिकॉज़ मैं वीडियो शूट कर रही थी और वहाँ पे थोड़ा बहुत रश भी था तो उसे मैं दिखाई नहीं दी। और ये फॉरेनर विनी को खिलाना चाहती थी, बट जैसे ही विनी ने उसको देखा तो वो डर गई और उसके पास से दूर चली गई। बट अच्छा लगा विनी को यहाँ पे खेल के, काफी अच्छा लगा। काफी बड़ी खुली खुली जगह थी तो उसे यहाँ पे अच्छा लगा। और ये जो आप देख रहे हो विष्णु जी की प्रतिमा है, ये भी पत्थर पे बनाई गई हुई है, तो ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ये विष्णु भगवान का ही टेम्पल रहा होगा पुराने जमाने में। तो अब हम यहाँ फाइनली लाइट हाउस पहुंच गए हैं, और यहाँ भी विनी खुद जा रही हैं ऊपर, जैसे बहुत बड़ी हो, सब कुछ जानती हो ये। और ये मेरे भाई और भाभी हैं, तो ये यहाँ पे जो ये टिकट एरिया है, मतलब यहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ता है। तो फर्स्ट मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे टिकट ली, और जहाँ से टिकट लेते हैं वहीं से इसकी एंट्री है। अभी आप देखोगे अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये लाइट हाउस जो है ये 1900 में बनाया गया था। तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, और बहुत मतलब डर लग रहा था क्योंकि इसकी जो सीढ़ियाँ थी ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, बहुत कंजेस्टेड थी। और मेन चीज़ और थी कि यहाँ ऊपर जाने का भी यही रास्ता था और ऊपर से नीचे आने का भी यही रास्ता था, तो बहुत केयरफुली हम लोगों को जाना आना पड़ रहा था यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये स्टेयर्स तो फिर भी ठीक है, जो सबसे ऊपर चढ़ने वाली स्टेयर्स थी ना वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक थी। वो तो एकदम स्ट्रेट थी, तो हम लोगों को तो नहीं पता, बट मेरा हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे ये विनी है, विनी टायर्ड हो गई थी एक्चुअली, उसको भूख लगी थी तो उसको दूध मांग रही थी वो, तो मैंने उसको समझाया विनी नीचे चलेंगे तब आपको दूध पिलाएंगे। तो यहाँ पे ये ऊपर का व्यू है, और मेरे भाई को भी काफ़ी डर लग रहा था, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है तो, बट यहाँ से जो व्यू था ना वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आपको पूरा समुद्र दिखाई दे रहा था, समुद्र की लहरें और नीचे का व्यू। बट बहुत केयरफुली मुझे शूट करना पड़ रहा था, डर लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए, अगर फ़ोन गिर गया तो मेरी तो आधी लाइफ ही ओवर हो जाएगी। तो मैंने बहुत केयरफुली यहाँ पे शूट किया, और यहाँ ऊपर पिक्चर्स भी लिए, वो भी बहुत केयरफुली लिए, बिकॉज थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। सो इतना सब कुछ शूट करने के बाद हम फाइनली घर के लिए निकले, और इतना ही मैंने शूट किया और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और हम लोग सुबह के 11 बजे निकले थे घर से, और अभी हम लोग रात के 9 बजे घर पहुंचे हैं, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल गया बाहर। तो फ्रेंड्स मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं शूट कर पाई, उतना मैं आप लोगों को दिखा पाई। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, जो भी मैंने चीज़ें दिखाई हैं, क्रोकोडाइल बैंक, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल और ये लाइट हाउस। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और व्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर विद बेल बटन, ताकि कोई भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल पे देख सको। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय।